हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चोपड़ा ब्रदर आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल। आज की इस वीडियो में हमें वेस्ट फैब्रिक कलर की बॉटल का यूज़ बताएंगे, जिसके लिए हमें 4 वेस्ट फैब्रिक कलर की बॉटल चाहिए। दूसरी तरफ हमें एमसेल चाहिए, जो कि किसी भी हार्डवेयर शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी हमें। इसमें 2 टाइप के पैकिंग आते हैं, जिसमें हम अलग अलग डो को एक साथ मिलाकर एक डो तैयार कर लेते हैं और फिर इसे अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। फ्रेंड्स, कोई भी आर्टिस्ट हो, उस पर वेस्ट फैब्रिक कलर की बॉटल होती हैं। तो हम आज की इस वीडियो में, एंड तक वीडियो आप देखना, कि इस वीडियो में हम आपको फैब्रिक कलर की बॉटल का इतना अच्छा यूज़ बताएंगे कि वो लगेगा ही नहीं हमने फैब्रिक कलर की बॉटल से बनाया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम किसी भी बॉटल के टॉप पर एमसील को लगाकर दूसरी बॉटल का बॉटम उस पर पेस्ट कर देंगे। इस टाइप से 2 पिलर बन जाएंगे। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे, फिर हम इन पर क्राफ्ट अपना बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जब तक ये सूखते हैं, हम अपना डो तैयार कर लेते हैं, जिससे हम क्राफ्ट बनाएंगे अपना। ये डो वॉल पुट्टी से बना हुआ है। वॉल पुट्टी पाउडर आपको ये भी हार्डवेयर शॉप पर इजीली किसी से भी अवेलेबल हो जाएगा आपको। इसमें हम थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे, आप भी फ्रेंड्स थोड़ा ही थोड़ा करके डालना। फ्रेंड्स, वॉल पुट्टी डो से हमने एक क्राफ्ट बनाया था, जो टॉर्टवाइज था, वो भी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देखकर बना सकते हैं। वो भी वॉल पुट्टी से बना हुआ है। इस टाइप से डो उसका तैयार करना पड़ेगा। कमेंट में हमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि वॉल पुट्टी डो को आपने कैसे बनाया, तो इस वीडियो में हमने वही बताया है कि वॉल पुट्टी डो को किस टाइप से बनाया। इस टाइप से पहले अच्छी तरह से इसे मिला लें। जब ये अच्छी तरह से मिलके इस टाइप से बन जाएगा, अब हम हाथ धो लेंगे इसे थोड़ा सा मिलाकर, एक साइड रखकर पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे इस टाइप से। अब अपने हाथ धोकर दोबारा से मिलाएंगे। ये हमें प्रोसेस कम से कम 3 बार करना है फ्रेंड्स। इससे हमारा वॉल पुट्टी का जो मिक्सचर है, वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। देखिए, अब ये कितना सॉफ्ट हो चुका है और ये चिपक भी नहीं रहा है। तो अब हम इसे रखते हैं एक साइड पर और अपनी बॉटल को ले आते हैं। ये दोनों बॉटल सूख चुकी हैं। अब हम इन पर सरफेस एक बनाएंगे। वॉल पुट्टी की हेल्प से ही हमें सरफेस बनाना है। पहले लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों ही पीओपी का डो लगाकर एक सरफेस हम तैयार कर लेंगे फेस का। और इसके सरफेस के सूखने के बाद फिर हम इस पर और डिटेलिंग करेंगे। वाटर की हेल्प से आप इसे थोड़ा सा और चिपका सकते हैं। और अब हम इसका हेड बनाएंगे। सिर अच्छी तरह से सिर भी एक ड्रॉ कर लें वॉल पुट्टी की हेल्प से। अच्छी तरह से हम इसे चिपका करके हमारा एक सरफेस तैयार हो जाता है। अब आगे की तरफ भी हम वॉल पुट्टी का कवर कर देते हैं, जिससे जो बॉटल है वो ढक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा सरफेस सूख चुका है। अब हम इस पर फोरहेड की डिटेलिंग करेंगे। वाटर की हेल्प से इसे थोड़ा सा मिलाएंगे अपने सरफेस से। ये देखिए इस टाइप से। ये जो हमने क्राफ्ट बनाया है, इसकी हमने पूरी डिटेलिंग की वीडियो इस वीडियो में बनाई है, जिससे आपको अच्छी तरह से वो समझ में आए। अब चिन का भी इस तरह से कर लेंगे, पूरा फेस ही बना लेंगे फ्रेंड्स। अच्छी तरह से आप वीडियो देखना और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमने इसमें अच्छी तरह से डिटेलिंग करके बताई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है। देखिए फ्रेंड्स, फोरहेड बन चुका है। अब नोज़ बनाएंगे। इसे आप के पास अगर क्राफ्ट टूल्स नहीं हैं, तो आप इस टाइप से, जैसे मैं स्पून्स यूज़ कर रहा हूँ, स्पून्स या फिर टूथपिक की हेल्प से इसे यूज़ करके कर सकते हैं आप काम को। देखिए फ्रेंड्स, हमने फोरहेड बना के नोज़ की शेप दे दी है। इस टाइप से हम अपने क्राफ्ट को स्मूथ करेंगे थंब की हेल्प से, नोज की डिटेलिंग करेंगे। अच्छी तरह से डिटेलिंग जब हो जाएगी हमारी, तो इस पर एक बार वाटर और थंब की हेल्प से इसे और फिनिशिंग देंगे। जहाँ जहाँ पर हमें थोड़ी सी वॉल पुट्टी कम लग रही थी, तो थोड़ी सी और भी लगा सकते हैं पेंसिल या फिर टूथपिक की हेल्प से इन्हें डिटेलिंग दें। अब लिप्स बनाएंगे। लिप्स की भी डिटेलिंग हम इस टाइप से करेंगे। पहले थोड़ी सी क्ले लेकर, जो हमारी हमने डो तैयार कराया है, उसे लेकर चिपकाएंगे वाटर की हेल्प से। फिर नाइफ या फिर स्पून की हेल्प से शेप देंगे लिप्स की। अच्छी तरह से डिटेल कर देंगे इन्हें।
टूवर्ड्स द चीक्स को भी शेप देंगे हम। फ्रेंड्स अगर एक सरफेस सूखने के बाद ही दूसरे सरफेस का काम करें नहीं तो फ्रेंड्स थोड़ा दिक्कत होगा क्ले में। इस टाइप के मैंने दो रेडी कर लिए थे, एक जेंट्स का और एक लेडी का, मैंने आपको बताया ही था। देखिए जब ये दोनों रेडी हो जाएंगे तो हम इनके आइज़ करेंगे। आइज़ के लिए भी पहले हमने इन्हें सुखाया, उसके बाद ही हम आइज़ बना रहे हैं। पहले हमने वाटर लगा दिया अपने सरफेस पे, फिर उसके ऊपर आइज़ बनाएंगे। आइज़ के लिए पहले हमने थोड़ी सी क्ले लेकर लगा दिया है और नाइफ़ की हेल्प से हम इसे शेप देंगे। देखिए फ्रेंड्स हम किस तरह से इस आइज़ की शेप दे रहे हैं। अब हम आई लाइट्स बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स जिस टाइप से मैंने इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग दिया, आप भी अपने अनुसार डिटेलिंग देकर इसे और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये हमने एक आइज़ कंप्लीट कर लिया और दूसरी भी हम इसी टाइप से बना लेंगे। दोनों इसी तरह से बन गई हैं, हमारे दोनों क्राफ्ट तैयार हो चुके हैं लगभग। अब हम आईब्रोज बनाएंगे, आईब्रोज भी हमें क्ले की बनानी है। फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा अगर ये गीला हो रहा है तो एकदम से काम मत करें, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जब थोड़ा सूख जाए तभी ही सरफेस पे काम करें। ये क्राफ्ट घर में रखा हुआ और डेकोरेट करा हुआ बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है, कोई कहेगा ही नहीं कि ये फैब्रिक कलर की बॉटल का यूज़ करा हुआ है किसी ने। सारी डिटेलिंग इसी टाइप से होगी, जैसे हमने लेडी के ऑर्नामेंट्स बना लिए हैं और जेंट्स को भी हमने डिटेलिंग दी है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे नई अपडेट वीडियो सबसे पहले आप पे पहुँचे। फ्रेंड्स अगर आपकी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहती है, जैसे क्ले से रिलेटेड या फिर स्टैचू से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए आप नाइफ या फिर स्पून के हेल्प से इस टाइप से डिटेलिंग कर सकते हैं, आपको मन चाहे से डिज़ाइन दे सकते हैं। देखिए हमारा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप और भी डिज़ाइन दे सकते हैं इसे, जैसे इस पर डिज़ाइन और बना सकते हैं नाइफ की हेल्प से, पेन की कैप से। अब हम लेडी के लिए एक घूंघट बनाएंगे। इसके लिए हमने क्ले को रोल करके कोई भी सिलेंड्रिकल शेप की ऑब्जेक्ट से इस टाइप से रोल बनाकर तैयार कर लिया था। अब हम इसे तैयार कर लेंगे अपने स्टैचू को। फ्रेंड्स दोनों स्टैचू तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें सुखा देंगे। फ्रेंड्स जो इनकी कलरिंग की वीडियो है वो इस वीक में आपको जल्दी मिल जाएगी। फ्रेंड्स ये देखिए सूख चुके हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।